आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे। मैं पंडित अमरीश भट्ट आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का सेशन एक विशेष टॉपिक का सेशन है और उस टॉपिक का नाम बहुत ही शानदार और चहेता आपका टॉपिक है, जिससे बार बार आपको हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो समास का टॉपिक है। आज मैं समास से प्रश्न लिया हूँ, 25 प्रश्नों पे हमारी आपसे चर्चा होगी। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं। आपसे उत्तर जानने का हमारा प्रयास होगा कि आप मैं जो भी पूछूंगा उसका उत्तर देंगे क्यों। मैं बड़ी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, YouTube पर भी पढ़ाया हूँ और क्लास में भी पढ़ाया हूँ। तो बिना देरी किए हम जो है आपसे चर्चा करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आइए, पूछा गया है सरासर में कौन सा समास है। समास से रिलेटेड प्रश्न ये सभी आपको मिलेंगे। सरासर में कौन सा समास है। आप ये जानते हैं कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पर कौन सा समास होता है। आपको ये पता है कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी शब्द क्या है, सरसर हो गया, सरसर को ही हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या लिख देते हैं, सरासर लिख देते हैं। कहते हैं सरासर, यानी वह सरसर सरसर भाग रहा है, सरासर भाग रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जब जानते हैं कि एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पर जो समास होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं प्यारे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसका कौन सा समास होता है जी, उसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम दो पे चलते हैं और दो नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूछा है दशमुख में कौन सा समास है। आपको पता भी होगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं, इसमें जो पूछा है दशमुख पूछा है, दशमुख पूछा जाए या आपको क्या पूछा जाए, दशमुख पूछा जाए या आपको दशकंधर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दशकंधर पूछा जाए या आपको दशानन पूछा जाए, आपसे जो भी पूछा जाएगा, चूंकि संख्यावाचक है, संख्यावाचक में पहला पद अगर संख्या है तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन पहला पद और दूसरा पद जब मिल करके अन्य अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं तो वहां पर द्विगु ना हो करके वहां पर कौन सा समास हो जाता है प्यारे, बहुव्रीहि समास हो जाता है। वहां पर कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। अतः उत्तर क्या हो गया आपका, सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्लियर, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चार्वाक का ही एक दर्शन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक आपको जीना है या रहना है सुख से रहना है। उसने कहा चाहे आपको ऋण लेकर के घी ही क्यों न पीना पड़े लेकिन आप सुख से रहिए। हालांकि कोई ऋण लेकर के घी नहीं पिएगा, आवश्यक कार्य करेगा। भाई अगर कोई कर्ज किसी से लिया है तो ले करके अपना जो कर्ज जिस मद में लिया है वो अति आवश्यक कार्य करेगा। ये थोड़ी ना कि घी खरीदने के लिए किसी से ऋण लेंगे और उसको पी जाइए, बनाना हो तभी भी। तो यावत जीवन, यावत जीवन का अर्थ क्या होता है, जब तक जीवन है। यावत जीवन यानी जब तक जीवन है उसे हम क्या कहते हैं, यावत जीवन कहते हैं और इसे ही हम आजीवन भी कहते हैं। जब तक जीवन है, पहला पद अगर हमारा अव्यय हो और व्यय न हो तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, उपसर्गानुरूप यहाँ पर होता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा लाल, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास, यावत जीवन में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्या पूछा है जी, अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा है। आपको भी मैंने बताया भी है
यहां पर आपसे दिया है कपोत ग्रीवा दिया है। कपोत ग्रीवा मतलब ग्रीवा कैसी हो, कबूतर के जैसी ग्रीवा हो, कपोत ग्रीवा। अगर ऐसा है तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। हाथी पांव, हाथी के जैसा पांव है तो हाथी पांव हो जाएगा, यानी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला गया है, यानी यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास यहाँ हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत मतलब होता है हर एक सौ पर, प्रति सौ पर, यानी हर एक सौ पर। आपको इतना तो पता होगा कि जहाँ पर प्रति आ जाता है, जहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर बे आ जाता है, जहाँ पर यथा आ जाता है, अगर ऐसा कहीं मिलता है वहाँ पर कौन सा अव्ययी भाव समास होता है, यहाँ पे प्रतिशत हो गया। यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिपल लिख सकते हैं, प्रति पल लिख सकते हैं। यहीं पर आप प्रत्यक्ष लिख सकते हैं। अब यहीं पर आप प्रत्यंग लिख सकते हैं। आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं किसके अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिड़ीमार में कौन सा समास है, चिड़ीमार में कौन सा समास है। ये आपसे पूछा है कि चिड़ीमार में कौन सा आपको समास होता है, ठीक है जी, चिड़ीमार में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। समास है चिड़ीमार में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो चिड़ीमार में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, चिड़ीमार मतलब चिड़ियों को मारने वाला, यानी को यहाँ पर विभक्ति लगी है। और ये आप जानते हैं को विभक्ति यानी विभक्ति जहाँ पर लगती है वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी 5 का उत्तर ए विकल्प आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। पतझड़ सावन बसंत, क्या शानदार गाना है। पतझड़ सावन यानी पतझड़, यहाँ पूछा है कि पतझड़ में कौन सा समास है। तो पत्ता, पत मतलब पत्ता, और झड़ मतलब झड़ना। पत्ता पत्ता का अर्थ न दे, झड़ना झड़ना का अर्थ न दे, बल्कि पतझड़ क्या है, एक विशेषीकृत, एक विशेषीकृत जो है आप अर्थ दे देता है, एक अलग जो है आपको माह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मौसम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पतझड़ सावन बसंत बहार, यानी पत्ते पत्ते का और झड़ना झड़ना एक विशेषीकृत जो है माह का अगर वर्णन करे, ऋतु का वर्णन करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर प्यारे बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं और 7 देते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्या पूछा है जी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास है। क्या दिया है जी, बहुव्रीहि समास में क्या क्या आपसे पूछा है, पीतांबर पूछा है, पाप पुण्य पूछा है, आजीवन पूछा है, चौमासा पूछा है। चौमासा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चौमासा में कौन सा समास, द्विग, चार माहों का समाहार चौमासा कहलाता है। आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आजीवन में हो जाएगा। पाप पुण्य में क्या हो जाएगा जी, द्वंद समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा। उत्तर क्या बचा, पीतांबर बचा, यानी पीत है अंबर जिसका,
अर्थात पीताम्बर के रूप में हम किसको जानते हैं, या तो विष्णु को नहीं तो श्री कृष्ण को जानते हैं। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या हो गया आपका, ये पीताम्बर हो गया, ये विकल्प आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मद माता में कौन सा समास है, क्या पूछा है, मद माता, मद माता यानी मद में क्या है, माता हुआ है, तो मद में क्या है, वह एकदम मात गया है, मद में चूर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मद माता कहते हैं। तो यहां पर अव्ययी भाव समास नहीं जी, कर्मधार समास नहीं, द्वंद समास नहीं, तो यहां पर भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा प्यारे, यहां पर भी आपका तत्पुरुष समासी होता है, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 8 का उत्तर क्या हो गया, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, 9 का आपको बताना है कि उत्तर क्या है। यहां पूछा है कि दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। पद क्या है जी, आपको दिया है राह खर्च, राह खर्च, व्यर्थ दिया है जी, व्यर्थ, गोला बारूद दिया है, गोला बारूद दिया है, ठीक है, छुट भैया दिया है, क्या दिया है, छुट भैया। ये पूछा है इसमें से आपको कौन सा समास होगा। राह खर्च तत्पुरुष समास होता है, व्यर्थ कर्मधारय समास नहीं होता है, खत्म, इनकी कहानी खत्म। राह खर्च में चूंकि क्रमशः दिया गया है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, राह खर्च में द्वंद समास नहीं होता है, खत्म। राह खर्च में कर्मधारय समास नहीं होता है, खत्म। राह के लिए खर्च, राह खर्च, बिना अर्थ यानी बी उपसर्ग युक्त लगा है इसलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। गोला बारूद में क्या हो जाएगा, द्वंद हो जाएगा। छुट भैया, भैया कैसा है, छोटा है, पहला पद विशेषण के रूप में आया, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपका जो उत्तर हो जाएगा लाल, उत्तर हो जाएगा वो कौन सा, डी विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कौन सा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं, राजा रानी में कौन सा समास है, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन कहानी बनेगी राजा और रानी। तो यहाँ पर आप जानते हैं दोनों पद की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा। राजा और रानी में कौन सा समास हो जाएगी, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा लाल, यहाँ पर द्वंद समास हो जाएगा। और उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर प्रवेश करते हैं, 11 नंबर क्या कहते हैं, चौराहा। चौराहा किसे कहते हैं, चार राहों का जहां समाहार होता है, चार राहों का जहां समाहार हो उसे हम चौराहा कहते हैं। समाहार यानी चार राहों जहां आकर के मिलते हो उसे हम चौराहा कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि पहला पद अगर क्या हो जाता है, यहां द्विग समास, चार राहों का समाहार जो होता है, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, चौराहा में चार राहों का समाहार, तिराहा तीन राहों का समाहार, एक तारा, ये सभी जो है आपके किसके, द्विग समास के उदाहरण है सारी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लगाना कुछ चाहिए या बोलना कुछ और चाहिए, बोल कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ना चाहती भी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी समय पे ही दिख गया, बस इतना है जी। हाँ, चौराहा नहीं तो तुरंत आप कमेंट करते हैं बाद में चल करके, सार ऐसा है। चलिए, चौराहा में कौन सा समास है जी, द्विग समास है, द्विग समास है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, धर्म बुद्धि में समास आपको बताना है, क्या पूछा है, धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि में तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आपको बताना है कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें एक समास होता है अवधारण पूर्व पद कर्मधारय होता है, ये कर्मधारय का भेद होते हैं। और जो कर्मधारय का भेद धर्म बुद्धि होता है, यहीं पर एक शब्द बनता है, धर्म शेतु बनता है,
धर्म सेतु भी इसी के अंतर्गत आता है, यहीं पर एक शब्द बनता है बुद्धि बल बनता है, बुद्धि बल बनता है यहीं पर ये शब्द ये भी बनता है। और ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे, कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये कर्मधारय के अंतर्गत आपको आते हैं। अतः उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं। उत्तर, दक्षिण में कौन सा समास मुझे नहीं लग रहा है, उत्तर दक्षिण में आपको कौन सा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नौ बता पा गए। उत्तर और दक्षिण है तो उत्तर और दक्षिण बीच में योजक चिन्ह लगा, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा आपका, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी विकल्प क्या हो जाता है, सही। 13 का कौन सा, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलते हैं। 14 का उत्तर क्या होगा, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, किसका पूछा है जी, ऋण मुक्त पूछा है। ऋण मुक्त मतलब ऋण से आपने क्या पा लिया, मुक्ति पा लिया। ऋण से क्या हुआ, मुक्ति पा लिया। तो संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या होता है जी, काके की होता है। अगर संबंध की बात जी जाए तो संबंध का जो परसर्ग विभक्ति लगेगा वो क्या होता है, काके की लगता है, काके की। रारेरी नानेनी, संप्रदान में क्या लगता है, या तो को लगता है या तो के लिए लगता है, इसका प्रयोग होता है। अधिकरण में क्या होता है, या तो मे लगता है नहीं तो पर लगता है। अपादान में क्या होता है, अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है, खत्म होता है अपादान में। तो ऋण से आप मुक्ति पा लिए, लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, इसलिए आपका उत्तर जो होगा वो उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 पाते हैं। 15 में क्या है, आजन्म, आजन्म। अभी मैं ऊपर पहला क्वेश्चन, जब मैं पहला दूसरा क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने बताया था आजन्म हुआ, आजीवन हुआ, आमरण हुआ, ये सभी शब्द किसमें जाते हैं, सभी वो किसमें जाते हैं, ये सभी के सभी आपको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश करते हैं। किस समास के अंतर्गत जी जाते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कष्टापन्न में शब्द में समास बताइए, किसमें, कष्टापन्न में। आपको कष्टापन्न में समास आपको बताना है कि कौन सा समास होगा कष्टापन्न में, यानी कष्ट से आपन, आपन्न मतलब होता है घिरा हुआ, आप कष्ट में क्या हैं, घिरे हुए हैं। तो जब अधिक यहां पर तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास तो होगा नहीं, बहुव्रीहि तो होगा नहीं, कर्मधारय तो होगा नहीं, तो क्या है, जब मैंने बताया कि विभक्ति या कारक चिन्ह जब लगे होते हैं तो वहां पर कौन सा, यानी कष्टों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर, उत्तर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। कौन सा, यह कौन सा समास हो जाएगा जी, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधि स्थिर, जो युद्ध में क्या हो, स्थिर हो, तो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर में अगर देखा जाए, इसके मूल रूप से देखा जाए तो इसमें जो समास बनता है वो तो यहां पर चूंकि तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययी और कर्मधारय दिया है, यहां पर जो बनेगा वो बनेगा तत्पुरुष बनेगा। क्या बनेगा जी, तत्पुरुष बनेगा। लेकिन अगर तत्पुरुष में भी पूछा जाए, अगर मान लीजिए तत्पुरुष में भी अगर विकल्प में क्या दे दिया, क्या दिया, अलुक तत्पुरुष दे दिया, क्या है, अलुक तत्पुरुष अगर दे दिया है, अलुक तत्पुरुष दे दिया है, ठीक है, अलुक तत्पुरुष अगर दे दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का यहाँ पर, अव्ययी भाव समास यहाँ, सॉरी अव्ययी तत्पुरुष समास यहाँ हो जाता है। चूंकि अलुक तत्पुरुष नहीं दिया है, अगर अलुक तत्पुरुष देगा तो अलुक तत्पुरुष हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्लियर, कोई डाउट नहीं है।
अगर अलुक तत्पुरुष और तत्पुरुष दोनों दिया जाए तभी भी अलुक लगाना है, अलुक के न रहने पर आप तत्पुरुष का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पितरऊ शब्द क्या है? पितरऊ शब्द, पितरऊ शब्द का कौन सा समास विग्रह होगा? ये जो शब्द दिया है पितरऊ, इसका पूछा है कौन सा समास विग्रह होगा, इसमें बताना है कौन सा समास है पितरऊ में। तो पितरऊ में क्या हो जाएगा जी? एक तो आप ये जानते हैं जो पितरऊ शब्द है इसका माता पिता चो, माता पिता चो होगा, माता चो पिता, पिता चो माता, माता चो पिता चो, पूछा है पितर। पितरऊ में अगर हम शब्द, चूंकि ये आपको पितरऊ दिया है, पितरऊ के अंतर्गत हम क्या समाहित करते हैं समास विग्रह, जब इसका हम करते हैं प्यारे, तो उस समास विग्रह में हम पितरऊ के अंतर्गत माता को भी शामिल करते हैं, यानी माता च पिता च, माता च पिता च को हम क्या कहते हैं? पितरऊ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पितरऊ कहते हैं। अतः 18 का उत्तर क्या हो गया? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? डी विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आया? डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 में चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से 9 तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? किसका पूछा है जी? 9 तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है। क्लियर? अब देखिए, अलोक तत्पुरुष जो होता है, यानी जो तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही 9 तत्पुरुष समास का विधान होता है। 9 तत्पुरुष, 9 मतलब क्या होता है? निषेध, यानी नकारात्मक, नहीं के संदर्भ में, यानी नहीं के संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में मतलब क्या होता है जी? यानी पहला पद, क्या आपका पहला पद, पहला पद क्या हो जाए? यह निषेध का अर्थ दे, नौ का अर्थ दे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? नौ तत्पुरुष हो जाएगा। यहां दिया है रोग मुक्त, तो रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त है, रोग मुक्त, रोज से, रोज रोग से क्या है वो मुक्त है, तो रोग मुक्त हो गया। राजपुरुष है, राज्य का पुरुष, राजा का पुरुष, ऐसा अगर हम करेंगे, लेकिन देखा जाए यहां पर रोग मुक्त और राजपुरुष किसके अंतर्गत जाएंगे जी? किसके अंतर्गत जाएंगे? यानी यह तत्पुरुष के अंतर्गत जाएंगे। पुत्र हितम, पुत्र के हित, ये भी हो जाएगा, ये भी आपको जाएगा तत्पुरुष के अंतर्गत। लेकिन जो नौ तत्पुरुष होता है इसमें पहला पद हमारा निषेधात्मक, अभाव, भाव नहीं है, यानी अभाव है, कोई हमारे पास अभाव, यानी आपको अ यहां पर जो पद प्रदर्शित कर रहा है वह क्या है? नहीं होने का अभाव, यानी बिना भाव की बातें कर रहा है। तो आपका नौ तत्पुरुष समास अगर कभी पूछा जाए तो उसमें क्या है? जैसे अटल, अटल यानी न टलना, अचल न चलना, अचल, या कभी कभी हम अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा मतलब न देखा, अनदेखा यहां पे कर देते हैं, बिन देखा भी कर देते हैं, यानी नहीं देखा ऐसा हम कर देते हैं। तो यहां का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे? वह क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। तो निष्का नौ तत्पुरुष समास के अंतर्गत सी विकल्प को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, निधड़क, निधड़क में कौन सा समास होगा? यानी निधड़क है, बिना धड़क के आप बात कर रहे हैं, निधड़क है, तो निधड़क में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास, द्वंद समास, द्विगु समास। निधड़क में जब हम आते हैं तो यहां पर नी उपसर्ग युक्त जो प्रयुक्त हुआ है बिना धड़क के, निधड़क, निकम्मा हुआ, निगोड़ा हुआ, ये सब सभी शब्दों के अंतर्गत हम कौन से समास के अंतर, इन ये सभी सभी शब्द किस समास के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं प्यारे?
अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लेकर आते हैं। किस समास के अंतर्गत लेकर जाते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लेकर के हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या हो गया? बी विकल्प आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है। किसका जी? बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है, ऐसा ये पूछे हैं। कौन सा बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है? क्या पसेरी आपका बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है? बारह सिंघा, बाताबाती, सौ परिवार, आपसे ये बताना है कि इसमें कौन बहुव्रीही समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है पसेरी, सौ परिवार। सौ परिवार इसे हम एक अन्य नाम देते हैं, सौ परिवार को सौ बहुव्रीही हम नाम इसका देते हैं। एक नाम इसका होता है सौ बहुव्रीही समास होता है, सौ बहुव्रीही समास होता है, इसे ही सौ बहुव्रीही समास होता है, इसे ही हम तुल्य योग बहुव्रीही के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें तो बहुव्रीही है। बाताबाती, बाताबाती का अर्थ जो निकला, बात 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 का बात अर्थ नहीं निकला, बाती का बाती अर्थ ना निकला, बाताबाती मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा, मारपीट की बात हो रही, कहा सुनी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर भी बहुव्रीही समास। बारह सिंहा, बारह सिंह नहीं है, एक बारह सिंहा नाम का एक विशेष पशु की बात, बारह बारह का अर्थ नहीं दे रहा, सिंघा सिंघा का अर्थ नहीं दे रहा, दोनों मिलकर एक विशेष पशु की बात कर रहा है, इसलिए बारह सिंघा भी बहुव्रीही होता है। यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो पसेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांच शेर के संदर्भ में क्या होता है? यहाँ पर पसेरी होता है। पसेरी मतलब पांच शेर, उसे हम क्या कहते हैं? पसेरी के नाम से जानते हैं। ये होगा कौन सा समास? अगर ये समास पूछा जाए तो इस समास के अंतर्गत आपका कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। पसेरी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास यहाँ पर शामिल होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 में प्रवेश करते हैं। 22 में क्या कहते हैं? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो, कौन सा? दोनों पद, दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे हम क्या करते हैं? दोनों पद की अगर प्रधानता है तो आप ये जानते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है, अगर दोनों पद की प्रधानता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ये तो आप खूब जानते हैं और पढ़ते हुए आप चले आए। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। कौन सा जी? पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। पहला पद हमारा क्या हो जाएगा जी? पहला पद हमारा संख्यावाची हो जाएगा। प्रधान समास नाम का कोई समास नहीं होता है, इसलिए इनकी कहानी खत्म है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? बीच में विभक्ति आती है, बीच में विभक्ति का प्रयोग होता है। बीच में किसकी? विभक्तियों का क्या होता है जी? प्रयोग होता है। एक बात यहाँ पे आप जानिए, चाहे वो द्विगु समास हो चाहे वो तत्पुरुष समास हो, इसका जो होता है द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो इसमें द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों पद प्रधान है तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जी, घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या है? किसका जी? घुड़सवार। घुड़सवार घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार आदि। तो घुड़सवार है, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। अगर आप घोड़े पर बैठे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? घुड़सवार कहते हैं। अगर घोड़े पर सवार हैं तो उसे हम कहते हैं प्यारे घुड़सवार, यानी घोड़े पर बैठने वाले को हम क्या कहते हैं? घुड़सवार कहते हैं। अगर इसमें भी पूछा जाए कौन सा, ये हो गया तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो जाएगा जी? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में भी पूछा जाए कौन सा हो गया, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अधिकरण तत्व उस समास यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। पूछा है शुद्ध भाषा शब्द में समास बताइए। क्या पूछा है जी? शुद्ध भाषा, भाषा कैसी है जी? शुद्ध है, यानी शुद्ध भाषा में पूछा है भाषा कैसी है, शुद्ध है। शुद्ध जब यानी प्रथम पद विशेषण रूप में आ जाता है तो वहां पर द्वंद समास नहीं होता है, वहां पर कर्मधारय समास तत्पुरुष समास नहीं होता है, अव्ययी भाव समास नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा जी? वहां पर जो होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध भाषा में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाता है। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, 25 प्रश्नों की यह मैंने श्रृंखला लिया है, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। 25 प्रश्नों की यह श्रृंखला है, यानी इसमें देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है लंबोदर। लंबोदर अगर हम इसको देखा जाए, लंबोदर को विग्रह किया जाए तो लंब, लंब का अर्थ न दे, यानी लंबा, लंबा का अर्थ न दे, उदर, उदर का अर्थ ना दे। लंबा लंबा का अर्थ नहीं दिया, उदर उदर का अर्थ नहीं दिया, दोनों मिलकर के किसका अर्थ देता है? गणेश का अर्थ देता है। किसका देता है? गणेश। यानी दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़ करके जब किसी विशिष्ट अर्थ, एक नए अर्थ को बताते हैं, नए पद को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है समास? वहां पर आपका कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है लाल? वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो लंबोदर में क्या हो जाएगा? आपको बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष नहीं, पुरुष में से कोई नहीं, ये सब विकल्प आपके गलत हैं। ये क्या हो गया? सी विकल्प आपका सही हो जाता है। ये आज का सेशन रहा, समास से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिया। समास का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ये भी बताइएगा कि अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन का कार्य करते हैं, इसलिए अपने अगर आपको लगता है कि कमेंट करना चाहिए, पॉजिटिव कमेंट करना चाहिए, या आपको जो लगता है कि अगर है तो ठीक है, नहीं अगर दिल कहता है नहीं नहीं मैं कमेंट नहीं करूंगा, या ठीक इनके प्रति नहीं लुकूंगा, तो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं और हम भी आप ही की तरह मानव हैं, मानव से भी कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं। पूरा प्रयास रहता है त्रुटि ना हो, आपके समक्ष जो भी मैं लेकर उपस्थित रहूं उस सही लेकर उपस्थित रहूं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत प्यार, सभी लोगों को आशीर्वाद और दिल से राधे राधे।